तरफ गर्मी से हाल बेहाल है। लोग अपने घरों से सड़कों पर नहीं उतरना चाहते, कूलर पंखे और एसी से दूर नहीं जाना चाहते। सड़कों पर कई जगह आपको भूख प्यास से तड़पते हुए, भीषण गर्मी से सताए हुए लोग आपको देखने को मिलेंगे, किंतु कहीं दूसरी और अगर दूसरे पहलू को देखा जाए तो महिला पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं एक मिसाल लोगों के लिए साबित करती हुई नजर आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला सारथल से सामने आया, दिखाने जा रहे हैं आपको आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट, जिसमें सारथल में एक महिला पुलिसकर्मी ने दिखाया अपना यशोदा रूपी रूप, जिसने ढाई माह की बच्चियों को झाड़ियों में बिलखता हुआ भूख प्यास से बेचैन देख कर पिलाया अपना दूध, बचाई बच्ची की जान, दिखाते आवाज न्यूज 24 की रिपोर्ट। सार्थल पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों का नया अवतार देखने को मिला। ढाई माह की मासूम बच्ची को भीषण गर्मी में भूख प्यास से तड़पती देख थाना अधिकारी से लेकर थाने का हर एक जवान चिंतित हो उठा। मामले की जानकारी देते हुए थाना अधिकारी महावीर किराड़ एवं एएसआई हरिशंकर नागर ने बताया कि ढाई माह की मासूम के लिए पुलिस थाने पर तैनात दोनों महिला कांस्टेबलों ने यशोदा बनकर बारी बारी अपने आंचल का दूध पिलाकर मासूम बच्ची की जान बचाई। सार्थल थाना अधिकारी महावीर किराड़ ने बताया कि 4 मई 2022 मंगलवार सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें एक शख्स उम्र लगभग 30 वर्ष की है, जो नशे की हालत में थाने इलाके के बाबड़ के पहाड़ी जंगली क्षेत्र से पैदल गुजर रहा है, जिसके पास एक बच्ची है। सूचना पर डीओ हरिशंकर नागर में जाब्ते के कानी सुजान सिंह 386 कानी अरविंद 126 कानी मौके पर पहुंचे और सूचना के आधार पर जांच पड़ताल की, जहां बाबड़ क्षेत्र के जंगलों में झाड़ियों में घुसा हुआ व्यक्ति मिला, जिसके तस्दीक करने पर व्यक्ति वहीं पाया गया, जिसके पास गर्मी से बेहाल अचेत अवस्था में उसके पास एक ढाई माह की बालिका मिली, जिसे तुरंत महिला कांस्टेबल मुकलेश ने सीने से चिपका लिया। नशे में व्यक्ति को अपनी बच्ची सहित थाने लाया गया, जहां बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए महिला कांस्टेबल मुकलेश व पूजा, जिनके साल भर के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी बारी बारी अपने आंचल का दूध पिलाकर मासूम बच्ची की भूख मिटाई। वहीं नशेड़ी व्यक्ति से पूछताछ कर पाया गया कि ढाई माह की बच्ची का पिता है, जिसका नाम राधेश्याम काथोड़ी निवासी सालापुरा थाना छिपा बड़ौत होना अज्ञात हुआ है, जो अपने ससुराल गाँव बदा थाना कामखेड़ा जिला झालावाड़ से अल सुबह 4 से 5 बजे के लगभग उसकी बच्ची को लेकर चुपचाप पैदल रवाना हो गया था। महिला कांस्टेबल मुकलेश भाई को मैं प्राइवेट वाहन से सांकेतिक स्थान पर रवाना किया, जहां जाकर देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथ में मासूम बालिका 2 माह करीब की को लेकर तपती हुई धूप में लेकर आ रहा था, जिसकी बालिका को देखते हुए, उसकी हालात देखते हुए तुरंत जाब्ता की मदद से उसको डिटेन किया। डिटेन कर बालिका को महिला कांस्टेबल को सुपुर्द कर देखा कि बालिका काफ़ी अचेत थी, गर्मी में भूख प्यास से पीड़ित थी, जिसको हमरा लेकर थाना पर लेकर आए। थाना पर लाने के बाद में उस बालिका अचेत बालिका को उसको ठंडे पानी से उसका दुम धोकर और